मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ, बांद्रा में, पालियल में। तो यहाँ पे सभी बिल्डिंग्स में मेरे दोस्त हैं। सो हमारी टेरेस पे नीचे पार्टियाँ हुआ करती थी, हम लोग ट्रिप्स ले जाया करते थे लोनावला। तो यही याद है। और कल एक्चुअली हम कर्जत गए थे दोस्तों के साथ, तो थैंकफुली ऑफ मिल गया था मुझे। कल फिर से प्रमोशन में मैं जुट जाऊँगा। सो इट वॉज़ गुड फन एंड इट वॉज़ गुड कैचिंग अप विद ओल्ड फ्रेंड्स। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले ऐसा इवेंट मैंने रखा नहीं था। नो प्रॉब्ली आई वॉज शूटिंग समटाइम्स, आई हैव ऑलवेज बीन शूटिंग फॉर माय बर्थडेज। और इसकी एक और रीज़न भी है, पिछले साल जब और ये फैंस के लिए ख़ास करके, क्योंकि पिछले साल जब मेरा एक पर्सनल हादसा हुआ था फैमिली में, तो फैंस ने बहुत सपोर्ट किया था। उनकी दुआएँ, उनके प्रेयर्स हमारी फैमिली के साथ थे। एंड अभी याद है बहुत सारे फ़ैन मेल्स आए थे। मैं ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इतना रहता नहीं हूँ, बट अभी एक साल से आई ट्राई टू बी एज मच ऑन दीज ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। एंड जो फ़ैन मेल मिला था जब अयान की तबीयत ख़राब थी, इट वॉज़ वेरी हार्टनिंग, इट वॉज़ वेरी टचिंग। एंड दैट्स वाई आई फेल्ट कि इट्स लॉन्ग ड्यू दैट आई मीट यू गाइज, मीट माई फैंस एंड सेलिब्रेट माई बर्थडे विद देम। वेल, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मिस्टर एक्स पहले रिलीज़ हो रही है 17 अप्रैल को, जो एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है हम सब के लिए। इसमें टेक्निकल विजिटरी है, इनविजिबल मैन है, एक अच्छी लव स्टोरी है। फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुडन्ट से फर्स्ट टाइम, वी हैव टैकल्ड विद, वी हैव शोन इनविजिबल मैन ऑन स्क्रीन। हमने भट्ट साहब के फादर की फिल्म थी मिस्टर एक्स, लेकिन सिर्फ 3 कल्ट फिल्म शायद रही हैं हमारे देश में। एंड एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है। There was Mr. India, which was 20 years ago, जो मेरी one of my favorite Hindi films. तो ये एक तरह से एक ड्रीम कम ट्रू है कि मैं इस फिल्म में काम करूँ। एंड इट शेप्ड अप प्रीटी वेल एज फार एज द विजुअल इफेक्ट्स को, और जो 3D का भी जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। हमारी अधूरी कहानी कंप्लीट हो गई है। they have just finished the edit, और ये फिल्म रिलीज़ होगी 12 जून को। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो। बहुत ही अलग स्पेस है, मैंने कभी एक रोमांटिक, इंटेंस, मैच्योर रोमांटिक स्पेस एक्सप्लोर नहीं किया है जहाँ तक ये जॉनर का सवाल है। सो आई एम लुकिंग रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड टाइगर्स ऑफ कोर्स द जेम ऑफ अ फिल्म, इट्स मोर देन अ फिल्म। एक इंटेंट पूरे टीम का है कि ये जो सोशल इशू है, जो प्रॉब्लम है बेबी मिल्क फार्मूला का, और बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इट्स बिन ऑन द होल राउंड ऑफ दिस फेस्टिवल सर्किट, और लोगों को बहुत बहुत पसंद आई है। I was in Toronto 2 months back, और वहाँ पर वी गॉट अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द फिल्म। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द फिल्म यहाँ रिलीज़ होगी, बिकॉज वंस इज डन विद द फेस्टिवल सर्किट देन वी रिलीज इट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। और एक रिलीज डेट का मिलना भी बहुत ही असेंशियल है, एक अच्छा रिलीज डेट। यू नो, मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहता था, कभी दूर दूर तक ये ख्याल दिमाग में नहीं था। एंड आई इवेंचुअली, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सीडेंट कि मैं एक्टर बन गया। और शुरुआत यहीं से हुई थी, विक्रम की फिल्म के साथ जो मैंने असिस्ट की थी 12 साल पहले राज में। और इट्स बिन अ गुड जर्नी, बहुत कुछ सीखा है मैंने। आई हैव मेट सम वंडरफुल पीपल अलॉन्ग द वे, अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। दे हैव बिन सक्सेसफुल फिल्म्स, दे हैव बिन फिल्म्स दैट हैव नॉट बिन सक्सेसफुल, लेकिन एक टोटैलिटी में एक आई फील कंटेंट कि मैंने ये सभी लोगों के साथ काम किया एंड आई एक्सप्लोर्ड ऑल दीज फिल्म्स। आई डोंट सी द फिल्म्स जो अनसक्सेसफुल होती हैं, आई डोंट सी देम एज मिस्टेक्स, वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है। So I'm thankful to everyone who've you know got me all these wonderful films, or jo experiences mile hain mujhe 10 saal se. Aur abhi obviously Vikram ke sath ye meri I think teesri chauthi film hogi. And I started off mere career with Footpath. So I'm yeah, main actually World Cup follow karne se zyada main actually cricket ki practice kar raha hu. Main agli film ke liye jo shuru hogi in the next 2-3 months. So yeah.